नमस्कार, मैं हूं अंजू और आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जबलपुर के पाटन में मजदूर की अंधी हत्या का खुलासा पाटन पुलिस ने किया। गौरतलब है कि 26 फरवरी को पाटन के वेयर हाउस में रहने वाले बिहार के एक मजदूर की लाश तिलंगवा गाँव के पास मिली थी। हत्याकांड का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद जबलपुर एसपी ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। पाटन पुलिस ने मामले में गंभीरता से कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड का खुलासा किया है। जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में पाटन एसडीओपी सारिका पांडे, थाना प्रभारी रवि उपाध्याय की टीम ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। आरोपी मृतक का ही साथी निकला, जिसने उसके साथ शराब पी थी। पत्नी पर बुरी नजर रखने के चलते आरोपी राजू ठाकुर ने राजेश ऋषिदेव की हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को घसीटकर रोड में डाल दिया। वहीं सबूत छिपाने के लिए उसने खून के निशान भी मिटा दिए, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए आरोपी का पता लगा ही लिया और आरोपी अब सलाखों के अंदर है। फरवरी 2023 को सुबह करीब 9:30 बजे एक रक्त रंजित लाश राहुल अग्रवाल की राइस मिल के पीछे तिलंगवा रोड पर मिली थी, जिसकी पहचान राजेश के रूप में हुई थी। राजेश बिहार का रहने वाला है, जो राइस मिल में मजदूरी करने आया था। उसकी जब हत्या का प्रकरण पाए जाने से तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। मौके पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी साहब देहात, एसडीओपी महोदय पाटन तथा एफएसएल अधिकारी मौके पर आए थे तथा हमें हत्या का प्रकरण होने से आवश्यक दिशा निर्देश आरोपी को पकड़ने तथा प्रकरण का खुलासा करने हेतु दिए गए थे। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा और हमारी टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई। उसी फुटेज के आधार पर हमने आरोपी राजू और फिर राजेंद्र ठाकुर निवासी बूढ़ी कोनी को पुलिस हिरासत में लिया। पूछताछ पर उसने जुर्म स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त आला जला पत्थर, लोहे की कुदारी, पेचकस तथा मृतक का निकाला हुआ मोबाइल हमें जब्त कराया है। आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। किन कारणों से उसने हत्या की थी? ये दोनों उस दिन साथ साथ जा रहे थे वापस अपने घर पे। अचानक दोस्ती हो गई। आरोपी और मृतक दोनों आरोपी की टपरिया पर पहुंचे। वहां आरोपी की पत्नी जो टपरिया में थी, मृतक उसकी तरफ झपटा। तभी आरोपी ने उसको डंडे से मारा, मृतक गिर गया। उसके बाद पत्थर पेचकस से मारा, घसीट कर ले जाकर लाश को घटना स्थल पर डाल दिया और कुदाली से फिर भी मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।